हम लोगों ने भागवत को इस रूप में लिया है। कई लोग तो मेरे सामने आए कि भागवत तो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमारे किसी के जब कोई की डेथ हो जाती है तो उसके बाद के लिए हम भागवत बचाते हैं। मेरे ख्याल में श्रीमद् भागवत स्वयं के स्वांत सुखाए और अपने जीवन बनाने के लिए श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत वो तो एक परिपाटी है पर श्रीमद् भागवत नित्य जीवन के लिए एक अनमोल रत्न है, मुझे तो ऐसा लगता है। हे श्री ब्रजराज कुमार कृष्ण, हे श्री वृषभानुनंदिनी, मैं आज आपको हाथों की अंजलि बांधकर तृण दबाकर आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि इस दीनहीन पर कृपा करके मेरे मुख से आप स्वयं श्री भागवत का जो संवाद है वो आप ही पेश करें। ये वाचन संपादन आप कृतकृत्य करें। मुझे जो संतों की प्रसादी स्वरूप जो मिला है वो आपके सम्मुख रखने की चेष्टा करूंगी। इसमें कोई गलत बात हो जाए, आपको ऐसा लगे कि ये ठीक नहीं है, तो ऐसा सोच लीजिएगा कि अहंकार प्रवृत्ति ने मुझे पकड़ लिया और कुछ ऐसा भुलीज गया। और कुछ अच्छा लगे तो सोच लीजिएगा कि कोई गुरु प्रसादी समझकर आपके सम्मुख श्री ठाकुर जी ने रख दिया है। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवतु नाम। हे प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, मेरे हाथ आपकी सेवा में लगे रहें, मेरा मन आपके चरण कमल की तो खैर बात ही और है, पूरी भागवत में आएंगे, मेरा मन आपके चरण कमल में जैसे सीपी में मोती बंद होता है उसी प्रकार से वहाँ अटक जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, मेरा मस्तन आप सब के सामने, आप सब में प्रभु श्री कृष्ण विराजमान, आप सबको मेरा नमन हो। कलयुग में श्रीमद् भागवत और भगवान नाम की महिमा आगे आएगी, हम सुने हुए हैं, और श्री वृंदावन धाम की रसोपासना मेरी जीवन मूरी है। श्रीमद् भागवत हर सगय श्री सुखदेव जी के गमन के पश्चात समापन कर दी जाती है, लेकिन चूंकि मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए सातवें दिन यह कथा इसके आगे वृंदावन ये रसोपासना तक कैसे बढ़ती है वो स्कंद पुराण से इसके श्रीमद् भागवत के फल से कुछ वर्णन करने की चेष्टा करूंगी। ये जो अनमोल वचन जो गुरुजी बोल गए या संत बोल गए, इन सब के शब्दों में बहुत भावार्थ भरा रहता है। देखिए, मनुष्य के पास क्या रहता है कि छोटे से बच्चे को एक सिखाया गया कि वो क ख ग पढ़े, क ख ग पढ़ के वो क्या करता है, उसके बाद क कबूतर, ग गणेश, ख खरगोश, ये सब पढ़ता है, और फिर तीसरी कक्षा तक जाता है तब तक वो पढ़ लेता है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। वो बच्चे ने अपनी माँ से कहा अब क्या पढ़ाई करनी है, मैं तो पूरा पेपर पढ़ सकता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ सकता हूँ। जब वो पूरा का पूरा किताब पढ़ सकता है, उसे सब मात्राएँ आती है, तो हमारे हिसाब से तो पढ़ाई पूरी हो गई, तो पढ़ सकता है, लेकिन नहीं, उसके आगे से आगे आगे से आगे। आजकल तो इतने बड़े में रिसर्च तक चले जाते हैं कि एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं और हम कहाँ तक पहुँच जाएं। ये श्रीमद् भागवत ऐसी महान महान एनसाइक्लोपीडिया है कि इसमें जितना रिसर्च करते चले जाइए उसकी थाह नहीं मिल सकती। ये अथाह गागर में सागर है। कभी अगर विशुद्ध भागवत का सत्संग, मैं तो ये नहीं कहती, लेकिन जब कभी स्वांत सुखाय के लिए भागवत का सत्संग मिले तो कभी चूकिएगा मत। कहीं ना कहीं कोई मोती के दाने से आपकी स्मृति गंध में पुकारने के लिए आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर के लिए प्रिया प्रीतम से करुण स्वर में प्रार्थना करते रहना चाहिए। मेरे स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इसलिए हमारे रोज के जीवन में यह वस्तु आ जाए और मेरे जीवन में आती रही
और इस चिंतन यज्ञ का प्रारंभ पूज्य श्री गुरुदेव जी से हो गया, इसलिए इसके आगे तो मैं कुछ कहने नहीं के लायक नहीं हूँ। अब मैं मंगलाचरण करके जो थोड़े बहुत शब्दों में मैं आज आपके सामने रख सकती हूँ वो रखूँगी। देयम् सदा परिभव गणमयष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरेङ्किन भृत्यार्दिहम् प्रणतपालभवाद्विपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत् सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबके पास पन्ने होंगे। हमारे डोंगरे जी महाराज के लिए सबसे पहला मंगलाचरण भागवत के समय करारविंदे करारविंदेन पदारविंदम् मुखारविंदे वनवेशयम्। सबके पास पन्ने होंगे। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मराम् श्रीकृष्ण गोविंद हरे। सब जोर से बोलिए। हे नाथ नारायण वासुदेव जिव्वे पिव स्वामित मेत देव तुकामाखिल गोप कन्या मुरारि पदार्पित चेत वृत्ति मध्यादिकं मोह वशाद गोचर गोविंद दामोदर माधवेति ग्रहे ग्रहे गोप वधू कदंबा सर्वे मिलित्वा सर्वाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवे सुखेशयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या निश्चितं तन्मयतां ब्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति जिव्वे सदैवं भज सुंदराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्ताटि विनाशनानि गोविंद दामोदर माधवेति सुखं फलानि इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जीवे पिबस्वाम भज
जिह्वा दिन रात पीती रहे। गोविंद दामोदर माधव जिव्ये रस के मधुर प्रिया त्वं सत्यं भितं त्वं परमं वदामि अवर्णये तां मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंड धरे कृतांते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद मेरे श्रीमद् भागवत के गुरु श्री डोंगरे जी महाराज को इसी रूप में याद करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय बोलते हुए श्रीमद् भागवत का महात्म्य बोलने के पहले एक चीज बता दूं कि श्रीमद् भागवत कुछ किसी एक की दी हुई नहीं है। श्रीमद् भागवत सबसे प्रथम नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी और व्यास जी ने सुखदेव जी को दी और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दी। जो नारायण ने ब्रह्मा जी को दी वह पहले मैं भागवत का बोल के फिर सच्चिदानंद रूपाय मंगलाचरण की तरफ प्रवेश करूंगी जिससे हमको पता लग जाए ये प्रथम अध्याय प्रथम के अध्याय के प्रथम स्कंद के अंत में चतुश्लोकी भागवत जिसके नाम से है। ये मैं इसलिए देना पसंद करूंगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण में ये कहा गया है भगवान ने श्रीमुख से ब्रह्मा जी को कहा है श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रीया छद्दया युक्तो मम संतोष कारणम श्रोतव्यम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थ लोकेश मोक्षार्थ धर्म बुद्धिना श्रीमद् भागवतम पुण्यमायुरारोग्य पुष्टिदम पठनाच्छ्रवणाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। हे ब्रह्मा जी लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए यह मेरे संतोष का कारण है। किसने कहा है? भगवान नारायण ने कहा है। ध्यान से सुनिए, मैं नहीं सुना रही हूं, सुखदेव जी बैठे सुना रहे हूं और मैं भी सुन रही हूं। यश धर्म और विजय के लिए और भी आप श्रीमद् भागवत का पारायण इसलिए करना चाहिए कि यश कमाना हो, धन कमाना हो, विजय लेनी हो या मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। नहीं हो तो दो श्लोक, एक श्लोक, आधा श्लोक नित्य प्रति करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम यह पावन पुराण श्रीमद् भाई आयु आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। चाहिए तो सबको ना ये सब चीज, प्लीज कहिए हाँ चाहिए ना। तो इसका पाठ और श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं जहां जहां श्रीमद् भागवत के दो श्लोक भी बोले जाते हैं वहां मैं हो ब्रह्मा जी, मैं मौजूद हो जाता हूँ। तो आप बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वो यहाँ आज मौजूद हैं। जो मेरी मेरा नाम मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों से मेरी प्रसन्नता का वस्त्र आभूषण पुष्प धूप दीप हार करके पूजन करता है वो उस प्रकार से मेरे को वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को और साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत के चार श्लोक में पूरी चतुश्लोकी भागवत ये मैं इसलिए पाठ करती हूँ कि ये मैं नित्य हमारे यहाँ किया करती हूँ। तो आज यहाँ पाठ कर लेते हैं, आपको भी लेनी हो तो ये सब चतुश्लोकी भागवत एक पन्ना ले लिया करिए और रोज पढ़ लिया करिए। चार श्लोक में कुछ नहीं जाता है और भागवत का पाठ हो जाता है। अहमेवासमेवा मानस मणि अहमेवासमेवा
अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम् पश्चादहं यदेतश्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यातात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावचेष्वनु अन्यप्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वयत्यतिरेकाभ्यां यतदस्यात् सर्वत्र सदा। हे ब्रह्मा, सृष्टि के पूर्व मैं था, पीछे मैं था, मेरे अतिरिक्त कोई स्थूल यहाँ नहीं था, दोनों चीज जगह हूँ और नहीं हूँ। वास्तव में न होने की अनिर्विच्य वस्तु जो मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा ने दिया है वो मिथ्या प्रतीत होता है। जैसे प्राणियों के पंचभूत रची छोटे बड़े शरीर में आकाश के रूप में मैं कार्य निमित्त होकर प्रवेश करते हैं, मैं सारी जगह रूप में विद्यमान हूँ। तो हम सब ये आज से प्रार्थना करें, श्रीमद् भागवत महापुराण, ये पुराण के रूप में नहीं है, श्रीमद् भागवत के ठाकुर हम में, तुम में, सब जगह सर्वत्र, प्रकृति में, अप्रकृति में, जड़ में, चेतन में, सूक्ष्म में, स्थूल में और कारण शरीर में, सब जगह विद्यमान है। सब जगह विद्यमान बसे श्री ठाकुर जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब हम पहुंचते हैं, श्री सुखदेव जी ने बहुत मंगलाचरण किए हैं, लेकिन जो ये पहला महात्म्य का मंगलाचरण है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। अब ये सच्चिदानंद में तीन अर्थ आते हैं, सत, चित और आनंद। देखिए, अगर प्रथम स्कंद आएगा तो ये सारा का सारा पूरी भागवत सत्य भगवान पर आधारित है, इसमें किसी का नाम नहीं दिया गया। ये जब प्रथम स्कंद आएगा तब सत्य का वर्णन करेंगे, पर सत्य है वो चित्त के द्वारा प्रकट रूप में सर्वत्र है। सत्य ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रकृति में, अप्रकृति में, सब जगह प्रकट है। और पकड़ते हम किससे, चित्त के द्वारा हम पकड़ते हैं, और आनंद अप्रकट है। सत प्रकट है, चित्त के द्वारा हम प्रकटते हैं जो सदा है, और भगवान श्री कृष्ण को सदा सत्वासना से है, सद है तब सत्य है, और सत्य है तो सत्ता है, और सत्ता है तो चेतन है, जो चेतन है वह चित्त है, और जो चेतन है तो उस सत और चेतन को मिलके जो प्रकट है वो आनंद है, जिसका नाम सच्चिदानंद भगवान की जय। चित्त मौन है, अप्रकट है, लेकिन आनंद को, इस आनंद को हम कैसे प्रकट करें, ये हमें कौन सिखाएगा, श्रीमद् भागवत। यही भागवत शास्त्र सिखाता है। देखिए, दूध में मक्खन होता है ना, वो दिखाई नहीं पड़ता पर होता है कि नहीं, वैसे ही लकड़ी में अग्नि होती है पर प्रकट करनी पड़ती है, जड़ में, बीज में वृक्ष है पर उसे बनाना पड़ता है, वैसे ही इस आनंद सर्वत्र प्रकट है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब जगह आनंद प्रकट है, लेकिन उस आनंद को प्रकट करने के लिए ये जो साधन जन्य आनंद है वो करना पड़ता है। ये जो आनंद जो है, ये आनंद सब में व्याप्त है। देखिए, कोई दिन आपको एक अच्छा सा गीत भी गा लेंगे तो उसमें आपको आनंद आ जाएगा, या कोई दिन आपको कोई अच्छी बात कह देगा तो आपको लगेगा बहुत आनंद है, किसी जगह आप जाएंगे तो आपको बहुत शांति महसूस होगी। मुझे तो देखिए, श्रीमद् भागवत के श्लोक बोलते हैं उसमें भी आनंद आने लग जाता है, वेद मंत्र बोलते हैं उसमें भी आनंद आने लग जाता है। कहां से आता है वो आनंद, कहां से आता है वो आनंद, हमारे भीतर है तभी आता है ना, भीतर है हमारे आनंद, बाहर नहीं है कहीं भी आनंद। हम सोचते हैं, पिक्चर जाते हैं, बहुत आनंद आया,
वहां से नहीं आया, हमारे अंदर की जो कामना हो उसकी पुष्टि हुई तब हमें आनंद आया। आनंद कहीं भी बाहर है नहीं, आनंद हमारे अंदर। अब इस आनंद को प्रकट करने की विधा हम सीखेंगे श्रीमद् भागवत से। क्या सीखेंगे? श्रीमद् भागवत से प्रकट करने की विधा सीखेंगे। मुझे आज थोड़ी सी एक दो चार दिन पहले किसी ने मेरे से बात कह दी थी, बोले आपको कहते हैं भगवान में आनंद है, नाम में आनंद है, रूप में आनंद है, धाम में आनंद है, सब जगह आनंद है, फिर आप कहते हैं भीतर आनंद है। कभी कहते हैं कृष्ण में आनंद है, धाम में आनंद है, इसमें फिर कहते हैं कि हमारे भीतर आनंद है। नहीं जी, हमारे भीतर ही आनंद है। जब चित्त में वो आनंद की छाप बाहर से आकर के लग जाती है तो हमको आनंद आने लग जाता है। चित्त हमारे पकड़ने की शक्ति है, जो हम हमारे अंदर है वो बाहर कहीं मिल जाए तो हमें आनंद आने लगता है। कृष्ण अगर किसी का इष्ट है तो कृष्ण का जहां कीर्तन होगा हमें आनंद आ जाएगा। जैसे कोई वृंदावन का हित हरिवंश महाप्रभु का प्यारा हो तो हरिवंश महाप्रभु के आनंद आते ही हमको आनंद आने लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर आपको कह दिया जाए कि आप थोड़ी देर बैठिए, आप किसी और का नाम ले लीजिए, चाहे पारसियों में बैठ जाए या कहीं ऐसी जगह बैठ जाए, वो हमारा आनंद अंदर उससे जुड़ा हुआ चित्त के द्वारा नहीं है, इसलिए हमें आनंद नहीं आता है। तो सच्चिदानंद जो रूप है वो सच्चिदानंद रूप हमारे ही भीतर है, उसी को हम प्रकट कर प्रणाम करते हैं, जो सच्चिदानंद भगवान स्वयं है। मैं ये तो नहीं कहती हूं, लेकिन श्रीमद् भागवत ने नवीन दर्शन कराया है। ये हम घर बार धंधा छोड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा कहने वाले भागवत शास्त्र कहता है कि निराश न होइए। हमें सबको घर बार धंधा नहीं छोड़ना है, घर में रहकर भी हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं और हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सब लोग क्या कहते हैं, भाई तीर्थ जावे, तीर्थ को जावे तब जाके आनंद आता है। नहीं, आप जहां बैठे हैं वहीं से आनंद प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी यहां से लौ ठाकुर से जुड़ जाए। और वो जुड़ने के लिए क्या क्या साधन है वो हम 7 दिन तक, इतने साधन है, इतने प्रकार हैं कि जो हमारी इच्छा है वही हम इसमें से प्राप्त कर सकते हैं। गोपियां देखिए भगवान को निहारती थी, लेकिन सारा घर का काम करती थी, लेकिन तो भी उनको एक सेकंड के लिए भी भगवान छूटता नहीं छूटता था। एक बीच में बात याद आ गई, तापत्रय विनाशा के बीच में, क्या करें, बीच में कुछ कुछ बातें आ जाएंगी। एक गोपी थी, वो अपनी बैठी और ध्यान लगा रही थी। नारद जी वहां से आए, बोले अरे क्या कर रही है, तेरे ठाकुर तो यहां पे चारों तरफ घूम रहे, तू काहे को ध्यान लगा रही है। बोले चुप कर, तू काहे के लिए आया, तू चल नारद जी, तू कहीं और चल, मुझे ध्यान लगाने दे। सबने कहा, उसने कहा पर बता तो सरी, तू काऊ को ध्यान लगा रही है, यहाँ पर तो कृष्ण स्वयं विचरण कर रहे हैं, वहां को ध्यान छोड़ के तू काऊ को ध्यान लगा रही है। उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी को ध्यान लगा रही हूं। बोले ब्रह्म को ध्यान क्या का चाहिए तो कुछ, ब्रह्म को ध्यान लगा। बोलिए जो तेरा है ना माधव कृष्ण माखन चोर, मुझे कोई काम नहीं करने देता, मैंने आज रसोई बनाई तो सीरा बनाते समय उसने माधव बीच में आ गया और मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया। मैं जो कोई काम करूं वो बीच आ जाए, जहां कोई काम करने जाऊं बीच में वो याद आ जाए। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूं कि हे ब्रह्मा जी थोड़ी देर तो उसको मेरे चित्त से बाहर निकालो जिससे मैं घर का काम कर सकूं। वाह क्या गोपी की दशा है, कितनी दशा कि मेरे मुझे ऐसी कोई चित्त बताइए जिससे कि मेरे चित्त से वो हट जाए। और हम लोग और बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसी तरह चित्त में वो आ जाए। ये चित्त में आने की विधा बताने के लिए ये मंगलाचरण है। तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, तीन प्रकार के तापों से हम, भौतिक ताप से तो हम लोग सब जीते बैठे हैं, है ही ना, सभी लोग दुखी हैं ही। तीन प्रकार के तापों से हम लगे हुए हैं, इन तापों से हमको निकलने के लिए हम श्री कृष्ण की वंदना करते हैं।
वंदना करने से बहुत फायदा होता है। देखिए मेरे को और पता नहीं ठाकुर जी सुनते होंगे नहीं सुनते होंगे, सुनते ही होंगे, मुझे एक वंदना करने से बहुत फायदा होता है। मेरे को संतोष हो जाता है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, मेरा काम कर रहे हैं। इसलिए जब किसी को पुकार लेते हैं तो किसी न किसी रूप से ठाकुर जी पकार लेता है। इसलिए वंदना तो करते हैं हम लोग, लेकिन इतना ही थोड़ा करना है कि मन से करें। हम लोग क्या करते हैं, तन से करते हैं। तुम्हें माता चपता तुम्हें तुम्हें अंदोष्ट का तुम्हें तुम्हें विद्या दमणम तुम्हें, अब इधर दूसरा काम चल रहा है, इधर से तुम्हें माता चल रहा है। तो हम जो प्रार्थना करें उसको लगे कि उसको बुलाया जा रहा है। और हम अगर सुबह से लेकर रात तक और पूरे जीवन भर अगर उसकी दी हुई नेमतों को याद करें तो सच कहते हैं ऐसी कोई ताकत नहीं कि प्रभु को हमारे हमारे सन्मुख न ले आए। बिल्कुल हम उनकी नेमतों को याद करें कि भगवान की कितनी कृपा हमारे पर है। श्रीमद् भागवत शास्त्र हमको निर्भय बनाता है। क्यों निर्भय बनाता है, समझिए। मेरे बगल में गुरुजी बैठे हैं, मैं निर्भय हूं कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं, गुरुजी अपने आप मेरे को मेरा मेरे ऊपर कोई है। इसलिए श्रीमद् भागवत हमें निर्भय बनाता है, निस्संदेह बनाता है। निस्संदेह बनाने के बाद एक बहुत बड़ी चीज है जो क्या बनाता है, अगर हम पूर्ण शरणापन्न हो जाए तो हमें हमारा निमित्त बना देता है। वो हमें निमित्त बना देता है और वो हमारे द्वारा ही सब कार्य कराते हैं। देखिए सत्कर्म में बड़े विघ्न आते हैं, अभी भी हम करने के लिए आए तो हमारे यहाँ पर भी कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन भगवान के भजन करके हम जब जाते हैं तो बीच में एक बात याद आ गई। क्या करूं, मैं पढ़ने जाती हूँ, मुझे बातें बहुत याद है। मुझे बहुत कहा गया है कि आप है ना बहुत बीच में अलग अलग बात बोलेंगी। मैंने कहा देखिए जो वो बुलाएगा वो बोलूंगी। तीन प्रश्न किए हैं उन्होंने। एक बार यहां मैं प्रणाम कर लेती हूँ, फिर सुखदेव जी की जो प्रार्थना है, सुखदेव जी महाराज जो यहाँ विराजमान है मेरे, मैं इसी भाव से यहाँ पर करने लगी। मुझे किसी ने पूछ लिया इसलिए बीच में बात आ गई। किसी ने पूछा कि आप शालीन होते हुए, कुलीन होते हुए और अपनी गृहस्थ धर्म में रहते हुए, आप घर में रोज पढ़ती हैं भागवत, आपको क्या जरूरत आप पढ़ी कि आप यहाँ इतनी बड़ी भागवत की बांटने के लिए गए। हाँ मुझे जरूरत आ पड़ी। अब मैं इसका जवाब देती हूँ, कोई है जिसने प्रश्न किया वो सुन लेगा। मेरे मन में आई कि एक छोटी छोटी किसी के पास कला होती है या किसी के पास कोई गुण होता है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए कितनी प्रदर्शनी होती है। अरे और कुछ नहीं तो बच्चों को संगीत का ज्ञान होता है तो टीवी में ले आया जाता है, टीवी में उसको दे करके उसे अवार्ड दिया जाता है। किसी के पास एक्टिंग का होता है तो उसे अवार्ड दिया जाता है। सम्मानित कितनी कितनी चीजों के लिए लोग किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने गुणों को बांटते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं, उससे दूसरा भी आनंदित होता है। तो मुझे जिस चीज में आनंद आ रहा है क्यों ना मैं वह आनंद जितनी मेरी सखियां उसको भी बांटूं। मैं अपने आनंद को बांटने के लिए यहां पर आज करने के लिए आई हूं। ना मुझे कोई प्रदर्शन करना है, ना मुझे कोई कथाकार आगे कथा लेनी है। मैंने तो अपने आनंद को, मात्र अपने आनंद को बांटने के लिए। और दूसरी बात, फिर अपने समाज में स्त्रियों को, गृहस्थ धर्म की स्त्रियों को अपने समाज में इतना आगे बढ़ने का मौका कम दिया जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि घर संभालो। पुरुष लोग तो आगे बढ़ जाते हैं पर गृहस्थ धर्म की जो नारी होती है उसे घर में रखा जाता है और कहते हैं घर में घर संभालो। बीच में एक बात और याद आ गई, क्या करें भागवत जी आगे चलेगी। किसी ने मुझसे ये भी पूछा, मैंने कहा हाँ मुझे मेरे घर वालों का, पति का सपोर्ट है इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और आजकल नारियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन उन्हें उनके कर्म के द्वारा मिल रही है। पर उन्होंने घर में रह करके जो उनके पतियों किया, जो उनके घर वालों को आगे बढ़ाने में जो सपोर्ट दिया है, उस सपोर्ट के लिए क्या किसी ने उनको अवार्ड दिया है? आज के समाज वर्ग से पूछा जाता है। हाँ बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री भी बनता होता है, जहां कुछ भी बनता होगा, अगर उसके घर ने घर घर को उसकी पत्नी ने नहीं संभाला होता तो वो घर देखता या वहां पे वो जाकर के वो काम करता। इसलिए बराबरी का हक नारी को मिलता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं भी
हमारी सखी परिकर सब नारियां हैं, तो उनके भी इस प्रश्न का जवाब दूं कि अगर हमको भी भगवान ने सद्गुण दिया है, हम भी एक दूसरे को अगर आनंद बांटते हैं, हम अगर हमारे पति का हमारे घर का सपोर्ट करते हैं, तो हम समाज में मिल करके हम नारियां भी हमारे समाज को हमारी संस्कृति को ऊपर लाने के लिए हम अच्छे आध्यात्मिक गुणों का विकास करें और एक दूसरे का सपोर्ट दें। जिसको ऐसा लगे कि हम अकेले हैं तो अकेले नहीं हैं, इस प्रकार के परिकर बन करके अध्यात्म के द्वारा एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए हम श्रीमद् भागवत से कई दवा प्रदर्शित करेंगे। यम प्रवजन मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेनु सं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी महाराज जा रहे थे पीछे पीछे, व्यास जी विरह कातर होकर उनको बेटा बेटा करके पुकार रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया, ऐसे श्री सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज कौन थे दो मिनट के लिए बोल देते हैं। सुखदेव जी को नमस्कार करके सुखदेव जी महाराज श्री शुक लीला शुक थे श्री राधा रानी के तोता शुक, वो उनके अति प्रिय थे, वो वहां रहते थे। एक दिन उड़ते उड़ते वो बाहर निकलने लगे, वहां शंकर जी और पार्वती जी, शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। उस अमर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को जरा आंख लग गई और सुखदेव जी वहां पर बैठ करके, देखिए कभी श्रोता बने ना तो हूं करना चाहिए, चाहे नॉड करिए जिससे वक्ता को लगे कि वो सुन रहा है, तो हूं बोल रही थी पार्वती जी, बीच में उनको नींद आ गई और उन्होंने हूं नहीं किया, अब हूं उनके बदले सुखदेव जी कर लिए, हूं उनको लगा पार्वती जी सुन रही हैं, और पूरी अमर कथा किसने सुन ली, सुखदेव जी ने सुन ली। फिर मालूम पड़ा मारने के लिए शिव जी दौड़े तो बोले मारेंगे कहां से, अमर कथा तो सुन ली, हम तो अमर हो गए। वहां से चले सुखदेव जी और चलते हुए वहां पर व्यास जी की पत्नी के उबासी आते हैं उनके पेट में समा गए। 16 वर्ष तक वहां से निकले नहीं सुखदेव जी, और कहा गया कि सुखदेव जी बाहर निकले तब तक नारायण ने कहा कि मुझे माया न छुए तो मैं बाहर निकलूं, ये पूरे संसार में आपकी माया है। और नारायण जी ने, नारायण भगवान ने कहा कि तुम बाहर निकलो, तुमको माया नहीं छुएगी। और माया न छूने का उदाहरण ये दिया कि सुखदेव जी बाहर जा रहे थे, अप्सराएं स्नान कर रही थी, और सुखदेव जी गए तो अप्सराओं ने कपड़े पहनने की चेष्टा नहीं करी, और पीछे से व्यास जी बेटा बेटा पुकारते जा रहे तो सबने कपड़े पहने। व्यास जी ने कहा कमाल है, वो मैं जान जवान लड़का जा रहा है तो कोई कपड़ा नहीं पहन रहा है, और मैं आया तो सब कपड़े पहन रहे, ऐसी क्या बात है। बोले सुखदेव जी हैं नहीं हैं बराबर हैं, वो मायातीत हैं, इसलिए उनके सामने कपड़ा पहना नहीं पहना बराबर नहीं है। वो सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। ये सुखदेव जी महाराज को बुलाने के लिए आगे जब सुखदेव जी जाने लगे तो सुखदेव जी को कैसे बुलाया ये हम आगे फिर आगे बता, अच्छा यही बता देते हैं आगे को, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मेरे मन में आया कि सुखदेव जी की कथा शुरू हो जाएगी, आगे श्रीमद् भागवत की कथा रह जाएगी, लेकिन जब वो आगे जाने लगे वो बिल्कुल माया में आने नहीं पड़े, वो सुखदेव जी को यम प्रवचन आइए। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रातान वेरोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राग सदगी
कीर्ति। जब व्यास जी को संतोष होकर के व्यास जी ने किया था तब ये श्लोक उधर बोला गया। वो श्लोक सुनते ही सुखदेव जी जैसे मायातीत सुखदेव जी ने वहां पर देखा और सुखदेव जी वहां से आए कि किसने लिखा है। ये करके व्यास जी ने आगे जब सुखदेव जी का आगमन होगा तब सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारेंगे, नहीं तो सुखदेव जी को कोई माया छुई नहीं थी। परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा था संसार का मोह छोड़ना कठिन है, पर ये हुआ कहां से। नैमिषे सूतमासीन मम विद्या वहामितम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने के लिए, देखिए ये कथाएं हमको लगता है कि परीक्षित को सुखदेव जी ने केवल सुनाई है, आपको बताई ना अलग अलग लोगों ने सुनाई है। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में रसास्वादन करने के लिए शौनक जी ने सूत जी को नमस्कार करके प्रथम प्रश्न किया। इस समय तीन प्रश्न किए, अज्ञान दांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्त तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशान कांतस्य तस्यैव शोधने किं परायण। हमें ये बताइए सूत जी की भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक को बुद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। क्या हम सबका भी यही प्रश्न है कि नहीं, यही है ना, इसमें पड़े हुए माया मोह से हमारा पीछा क्यों नहीं छूटता। इस घोर कलिकाल में इतने आक्रांत जिसको पूछो, अगर यहाँ एक एक जने के पास अगर कोई ऐसा मीटर निकल जाए और सबके अंदर ये पहुंच जाए कि अंदर क्या चल रहा है, तो एक एक के इतने क्लेश हैं, इतने ताप हैं, जिसको शुद्ध देवी शक्ति बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। सूत जी आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए कि सबसे अधिक कल्याणकारी पवित्र करने का जो मार्ग है जिससे श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, यह मार्ग बताइए। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देख सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको रोज कहती हूँ चिंतामणि मानते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकता है और कल्प वृक्ष भी अधिक से अधिक जो मांगेंगे वो दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई साधन बताइए कि हमें श्री कृष्ण प्राप्ति कैसे हो। शाश्वत धर्म सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी श्री कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताइए। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि श्रीमद् भागवत पूरा का पूरा श्री कृष्ण प्राप्ति का साधन है। एक क्या साधन बताएंगे। सूत जी ने कहा सुखदेव जी कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का श्रीमद् भागवत का शास्त्र का प्रवचन किया है, इससे बढ़कर कोई शुद्धि का साधन कलयुग में है ही नहीं। ये सबसे बड़ा साधन है। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, तभी इसे भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। मैं नहीं कहती हूँ, एक श्लोक पढ़ देती हूँ तो आपको लगेगा भागवत में ही है ये। एतस्माद् परम किंचित् मनःशुद्धिः न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम् लसे। आचार विचार से मन की शुद्धि होती है। अब ये श्रीमद् भागवत कैसे हमें मिले, हमें कैसे ये श्रीमद् भागवत, तो आज जगह जगह हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं, अभी इसके पहले सुन लिए। मैं भी कहती हूँ कि हम श्रीमद् भागवत जगह जगह हर रोज सुनते हैं, फिर हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आता, इसका कारण बताइए। हमारे भीतर परिवर्तन क्यों नहीं आता, हमारे क्लेश ताप क्यों नहीं मिटते, जब लिखा है कि क्लेश ताप मिटते हैं। नहीं आता, मिटे किसी के नहीं मिटे, इसलिए ही तो नहीं मिटे। मैंने भी ये प्रश्न किया जब मैंने ये भागवत करके एक बड़े भागवत कथाकार से प्रश्न किया कि परीक्षित को क्या बात थी, परीक्षित को गर्भ में
श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। और पांडवों का खास परीक्षित जिसने कलयुग का दमन किया था, वो परीक्षित को तक्षक नाक कैसे काट लिया, मैंने प्रश्न किया ये, इसलिए आज मैं प्रश्न करने की इच्छा हूं, वो परीक्षित को कैसे काट लिया। बहुत सुंदर उत्तर दिया, आपको सबको पता होगा। बोले दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, ध्रुव जी को भी दर्शन हुए, उनको भी दर्शन हुए, लेकिन दर्शन से बड़ी चीज है सत्संग का अभाव। परीक्षित ने बैठकर बहुत सत्संग नहीं किया। ये मन को रोज एक बाप जी कहते थे, स्वामी जी कहते हैं, सत्संग ना मिले तो नहीं मिले, पर कुसंग से बचाइए। ये जो कुसंग से नहीं बचता है, भक्ति को सर्वस्व भक्ति को और वृद्धि करने का साधन सत्संग। ये सत्संग का अभाव हुआ था, परीक्षित ने कहीं सत्संग नहीं किया, कुसंग हो गया और कलयुग का प्रभाव पड़ के वो उन्होंने मुकुट ले लिया था, उन पे असर हो गया। तो हम भी ये नहीं सोचें कि आज हमको भगवान के अंदर बहुत आनंद आया, हमको ऐसी अनुभूति हुई, हमको दर्शन हुए, तो कल हमको हो जाएंगे, कल कुसंग से हम लड़ जाएंगे। आगे ध्रुव जी का भी आएगा, ध्रुव जी में भी यही हुआ, ध्रुव जी को 5 वर्ष तक इतनी तपस्या करके उनको भगवान मिले, ठीक है ना, भगवान के दर्शन हो गए, गाल पे वो लगाया शंख लगाया, लेकिन भगवान के दर्शन होने के बाद स्तुति भी कर दी, लेकिन जब बड़े हो गए, बोले तुम रहो संसार में, बड़े हो गए तो एक भाई को मारने के लिए इतने लोग आ गए, एक भाई को मृत्यु के कारण अनेकानेक यक्षों को मार डाला। क्यों मार डाला, इतने बड़े ध्रुव जी क्यों मारे भाई, सत्संग का अभाव। बाद में सत्संग चालू नहीं रखा, मुझे ऐसा किसी ने कहा, मैं कोई उसकी गारंटर नहीं हूं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बात सच्ची है। आज हमें भगवान के नाम में बहुत आनंद आता है और कल हम उसी समय तलवार से किसी को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं, इसलिए नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रति। समाज में ये सब देखते हुए एक दिन निकाह इस महापारायण की बात सुनकर के बोले, जैसे तुम दुखी हो वैसे एक दिन नारद जी भी सांसारिक प्रपंच से मुक्त, नारद जी वहां पे उदास रूप में आए, तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि नारद जी हमेशा नारायण नारायण करने वाले कैसे कैसे इतने दुखी मन से आए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 यहो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण पूछने लगे, आपके उदासीन का कारण क्या है। बोले मैं भी यहां पृथ्वी पर से आया हूं, कलयुग में कहीं सुख शांति की निशानी नहीं है, जगत में सत्य नहीं रह गया, सत्यम नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है, जगत में कहीं पवित्रता दिखाई नहीं पड़ पाई, कहीं नीति का दर्शन नहीं हो रहा है, सब तरफ अशांति अशांति छा रही है। तो बोले शरीर और इंद्रियों के सुख से ऐसा विचार होता है कि कोई भी मनुष्य शांत नहीं है,
संसार में मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई, कलयुग का दोष देखता घूमता मैं परेशान हो गया। मैं फिर घूमता घूमता वृंदावन पहुंचा, तो वृंदावन में पहुंचा तो क्या देखता हूं, एक औरत बैठी है, उसके दो पुत्र बूढ़े हैं। एक औरत तरुणी होके बैठी है, दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं। वह चारों तरफ स्त्री देखती है और वो कहती है, मैं उनके पास गया, उसने कहा भो भो नारद जी आप जरा इधर को आइए। और स्त्री के पास जाते हैं, नारद जी ना बुना बुलाए क्षणम तिष्ठ, जरा रुकिए तो सही आप जा रहे हैं। वो बोले आपने पूछा, नारद जी ने पूछा, मैंने पूछा कि देवी जी आप कौन हैं। उसने कहा मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं। बोले वृंदावन में आपकी ये दशा, अब ये वृद्ध हो गए, मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ है। देखिए द्रविड़ देश का अर्थ समझ लीजिए पहले, द्रविड़ मतलब द्रव, जिसका हृदय भगवान का चरण हमेशा दक्षिण में होता है, तो जो चरण है नीचे और द्रविड़ देश है नीचे, तो द्रविड़ देश में जिसका जन्म हुआ, जहाँ से प्रकट हुई, और उसके बाद भक्ति कब प्रकट होने के बाद कैसे प्रकट होती है कि अपने में भक्त भाई, जब अपना हृदय द्रवित होता है उसका नाम है द्रविड़ देश। हृदय द्रवित हो तो द्रविड़ देश में वो पैदा हुई और कर्नाटक में बढ़ी। कर्नाटक में कैसे बढ़ी कि कर्णपुट, कर्नाटक मतलब कर्णअटक, कर्णअटक कर्णअटक, जो चीज कर्ण में अटक जाए मतलब कर्नाटक, कर्ण में अटकी। और कर्ण में अटकने के बाद कर्ण कर्ण से जितना सुनेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। उसके बाद महाराष्ट्र में उसको सम्मान मिला, तुकाराम जी एकनाथ जी वहां पे महाराष्ट्र में सम्मान मिला। और उसके बाद गुजरात में आने के बाद थोड़ा भोग संग्रह में पड़ने से वहां पे वो थोड़ी बूढ़ी हो गई, ऐसा तो मैं किसी को नहीं कहती हूँ। और जब वृद्ध होकर के मैं वापस वृंदावन में आई तो वहां पर मैं आकर के यहाँ पर तरुणी हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वहां पे छिन्न भिन्न हो गए। मैंने बहुत सोचा, नारद जी बोले मैंने बहुत सोचा, जरा आज देरी हो गई तो जरा जल्दी से कथा आगे बढ़ाते हैं। बोले अपना ये हृदय वृंदावन है और ज्ञान वैराग्य अपने ही पुत्र हैं। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग्य जागृत होता है किंतु वह वैराग्य स्थिर नहीं रह पाता, इसलिए नारद जी की चिंता की, बहुत कोशिश की। बोले नारद जी आप किसी तरह मेरे ये दोनों पुत्रों को वापिस वो कर दीजिए। नारद जी बहुत कोशिश करने लगे। नारद जी किसके लिए फेमस हैं? हरि कीर्तन के लिए। उन्होंने कहा आज जो भी कुछ है वो हरि कीर्तन से ही। नारद जी कोशिश करने लगे कि किसी तरह ज्ञान वैराग्य के पुत्र मूर्छा से जागृत हो। हरे शरणम 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 हरे शरणम। आप सब जोर से बोलिए, हरे शब्द की व्याख्या सुनाऊं। हरे शरणम 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 हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम
शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरण 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 हरे हरी शरणमेवम हि नित्यं येषां मुखे वच अत काल समादिष्ट जरायुष्पान्न बाधते। हरी शरणम, हरि शब्द में क्या भरा हुआ है जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि शब्द में एक नाम सभी अच्छे हैं भगवान के, लेकिन हरि कीर्तन डोंगरे जी महाराज भी अंत में कराए करते थे, हरये नमः हरये नमः हरये नमः। यह हरि शब्द में एक विशेषता है, वो आज हम आपको विशेष गुण बताते हैं। अब प्रहलाद जी ने भी किसको पुकारा? श्री हरि। आप कई लग जगह गीता प्रेस के या कई जगह ऊपर लिखा हुआ क्या रहता है? श्री हरि। कोई बहुत कम जगह अपने अपने इष्ट का नाम लिखा लिया, बाकी जनरल में श्री हरि लिखे। जो आपके दुख का हरण करे वो श्री हरि, और सब जगह तो मांगना पड़ता है क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ होता है। गोपाल, इंद्रियों को पालन करने वाला गोपाल। फिर और कोई नाम लीजिए तो रेचक, जो उसको कभी आप कह देंगे गोविंद हरे, जो गोविंद है, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, दीनों को दुख हरण करने वाला दीन दयाल, हे करुणानंदन हे करुणाकर, ये सबके अंदर एक एक शब्द में भाव करे हैं। नारायण, नर से नर का नरोत्तम नारायण, वैसे ही श्री हरि का यही अर्थ है कि और सब शब्द तो हमको पुकारना पड़ता है कि हम पुकारें तब ठाकुर जी सुनते हैं, पर हरि में हमें अपनी अपना जो भी कामना बोलनी नहीं पड़ती, वो हरि बोलते ही वो उसको निवारण कर देते हैं। गजेंद्र भी श्री हरि पुकारता है, जैसे गंगा जी का सहज स्वभाव शीतलता प्रदान करना, जैसे राधा रानी का सहज स्वभाव है दया करना, दयामयी कृपामयी, ऐसे हरि को पुकारेंगे तो हरि शब्द का नाम कीर्तन करने से हमारे विषयों का, अज्ञान का और दुख का हरण करने वाला श्री हरि। बीच में मैं थोड़ा वृंदावन का भी बोल दूं, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश मतलब श्री जी मतलब राधा रानी, हरि मतलब आपके सब दुखों का हरण करने वाला, और वंश मतलब स्टाफ। कोई दुखों को हरण करने के लिए स्टाफ की जरूरत पड़ती है ना, तो वंश श्री हरि वंश, श्री हरिवंश महाप्रभु के लिए श्री हरिवंश, जो हरि ताप को हरण करने के लिए स्टाफ लेके आ जाते हैं, आपका ताप दूर हो जाता है, इसको ताप को हरण करने के लिए हरि कीर्तन किया गया। लेकिन हरि कीर्तन में सफल नहीं हुए नारद जी, और नारद जी ने कहा कि मैं क्या करूं, चिंता में फंसे हैं और बात कर रहे हैं। वहां से गए आगे बद्रिकाश्रम की तरफ जाने लगे, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में हुआ कि आप भागवत का ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, इसके बिना इनका कुछ नहीं होगा, आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ज्ञान यज्ञ भागवत का प्रचार करो। उसी समय लेकर के ज्ञान यज्ञ का भागवत का प्रचार करने के लिए, भागवत बैठाने के लिए हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया। हरिद्वार जाकर के कथा के आरंभ में भगवान का जय जयकार किया गया, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान मग्न होकर के भागवत श्रवण के लिए बैठना पड़ता है, तब जाकर के उसके ऊपर भागवत का असर करता है, क्योंकि माया मन को चंचल बनाती है। यहाँ जितने हम बैठे हैं, किसी का मन कर रहा है कितने बज गए, कितनी देर और चलेगा, अभी तक तो टाइम ही नहीं हुआ, अभी तक तो ये कथा आई नहीं, क्योंकि कथा सबको मालूम है, तो अभी तक तो ये कथा तो आई नहीं, वो कथा तो हुई नहीं। आदमी का मन बड़ा ही चंचल रहता है और वो आगे आगे जाने के लिए करता है, लेकिन माया मनुष्य को समझाती है कि जो सुख तुम वहां से ले रहे हो यह सुख इसमें नहीं है। वह सुख, देखिए सुख और आनंद का अंतर मैंने डोंगरे जी महाराज से पूछा था, सुख है वो कभी दुखी करेगा,
हमने जो रसगुल्ला खाया सुख उठाया, वो जब पेट भरा होगा तो रसगुल्ला भाएगा नहीं। ठंडी लगती है तो पंखा और एसी चाहिए, लेकिन बहुत ठंड में वो एसी सुहाता नहीं। तो जो सुख है उसका विलोम शब्द दुख है, लेकिन आनंद का अभी तक कोई विलोम शब्द नहीं मिला है। अगर आपको कोई को मिले तो मुझे बता दीजिएगा, आनंद का कोई विलोम शब्द है? यह भागवत की कथा अति दिव्य है। जो इस कथा को प्रेम से सुनेगा उसके कान से भगवान वहां से उतर जाएंगे हृदय में, प्रेम बढ़ाने के लिए और भगवत प्रेम बढ़ाने के लिए और हमारे जीवन के सुधार के लिए। आज हम सब लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत का श्रवण मनन चिंतन करने के लिए बैठे हैं। किसी ने कहा कि ऐसा भी कोई है श्रोताओं के हृदय में कि कोई पाप भी करे तो उसके पाप भी छूट जाते हैं, प्रेतियोनी भी छूट जाती है, ऐसा कोई आपको लगे तो बता दीजिएगा। तो उन्होंने बताया कि तुंगभद्रा नाम की नदी था, उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आप सबको कहानी मालूम है, इसलिए मैं आशय बता बता के आगे बढ़ूंगी। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव बहुत सदाचारी था, सत्कर्म करने वाला था। आत्मदेव जो आत्मा में तिष्ठ हो, निष्ठ हो, वो आत्मदेव। उसकी पत्नी थी धुंधली, धुंधली मतलब कपटी, जिसको धुंधला दिखाई दे, द्वंद्व दिखाई दे, यूं की यूं, यूं की यूं, यूं की यूं, कोई निर्णय पे नहीं पहुंचने वाली, मन की करने वाली प्रतिकूल पत्नी थी। आत्मदेव की प्रतिकूल पत्नी थी। पत्नी के नाम से मैं थोड़ी अटक गई। आपको एक और बात बता दूं, एक डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे कि भगवान धुंधली पत्नी दी, लेकिन कभी कभी जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो जो भगवान देता है उसको स्वीकार करते हैं, जो परिस्थिति दे उसे स्वीकार करते हैं। इनको तो प्रतिकूल पत्नी दी। बोले क्या परिस्थिति दी उनको? बोले तीन महात्मा पंडरपुर में विट्ठलनाथ के दर्शन करने गए। कौन कौन? एकनाथ जी, तुकाराम जी और नरसिंह मेहता। एकनाथ जी प्रणाम किए, भगवान मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बड़ी अनुकूल पत्नी दी, अनुकूल पत्नी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार, कृपा है मेरे पर। तुकाराम जी वहां पर पहुंचे और बोले भगवान मैं आपको बहुत बहुत आभार देता हूं कि आपने मुझे प्रतिकूल पत्नी दी। बोले प्रतिकूल का भी आभार? बोले प्रतिकूल पत्नी दी इसलिए मेरा मन संसार में नहीं अटका और मैं विठल 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 करता वहां लग गया। अगर मैं उधर आपकी तरफ लगता, अगर पत्नी अनुकूल होती तो शायद उसमें फंस जाता, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा कि आपने प्रतिकूल पत्नी दी तो मैं उधर लग गया। विठल 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 विठल, तुकाराम जी को बहुत विठल की धुन लगती थी। और जब बाहर से आते थे और घर में आते तो इतनी जोर से उनकी पत्नी के, कहाँ है आपका विट्ठू, लाइए मैं आपको उसको मार के बताती हूँ। इतना उसके बैर था विट्ठल भगवान से कि उसने घर में कोई काम नहीं करने देते, कोई रुपया नहीं लाने देते और उसको दिन भर विट्ठल 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 की धुन है। उनको धीरे से बोलते, देखिए धीरे से कोई बोले ना, ये तो आजकल के लोग कम ही होते हैं अपने पति पत्नी में। लेकिन वो पति पत्नी, पत्नी खूब चीखती लेकिन पति बहुत शांत रहते थे। इतने शांत, शांति रख अभी हो जाएगा, शांति रख अभी हो जाएगा, लेकिन वो जोर जोर से कैसे कैसे हो जाएगा। तब वो अपना थोड़ी देर लेते, बोले जाइए आप खेत में जाइए और खेत संभालिए। तो खेत में चले जाते थे, आओ रे चिड़िया आओ रे खरभर भाओ पेट, उनको भी खिलाने लग जाते थे। तब उस हर एक कार्य से उनसे गुस्सा हो करके उनकी पत्नी बहुत उनको कहते हैं, सुना है कि एक दफ़े तो उन्होंने हाथ भी उठाया और वो मांस वो गन्ने से मारने लगे, दो टुकड़े कर दिए। तो तुकाराम महाराज जी बोले कि अरे दो टुकड़े क्या करे, अच्छा हुआ करने पड़ते, तूने अपने आप ही कर दिए। मतलब कोई भी चीज़ को अच्छे रूप में लिया। फिर नरसिंह मेहता गए विट्ठलनाथ जी भगवान के पास और नरसिंह मेहता कहने लगे,
भलू थयो भाग्यू जंजाल सुखे भजिशु श्री गोपाल। उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। बोले कितना अच्छा कर दिया कि ना मेरे पास पत्नी है और मैं बड़ा बड़ा हो गया, अब मैं अपना भगवान को भजूंगा, ना मेरे पर कोई गृहस्थी का चक्कर ना कुछ चक्कर, सुखे भजिशु श्री गोपाल। तीनों को तीन परिस्थिति मिली है और मुझे लगता है कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं इन तीन परिस्थिति से अलग किसी को भी परिस्थिति नहीं है, या अनुकूल है या प्रतिकूल है या साम्य है। ये तीनों प्रतिकूल तीनों स्थितियां अगर हमारे पास है तो तीनों स्थितियों में हमको अगर ठाकुर जी का नेमत स्वीकार करनी है तो हमें ही अपने आप से शांत होकर ये नेमत स्वीकार करनी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधली, पवित्र बहुत था धुंधली, स्वभाव की कूर झगड़ने वाली। आत्मदेव निसंतान थे, सदाचारी थे। एक दिन वो रोज वन की ओर प्रयाण किया, वहां पे उन्हें महात्मा पास में मिला। देखो कोई अच्छा महात्मा कोई ज्योतिषी ऐसा मिल जाता है ना तो हम लोग चलती से अपना हाथ दिखाने शुरू हो जाते हैं कि भैया हमारे हाथ में बताइए क्या क्या है, क्योंकि हमें आगे की जानने की बड़ी जानकारी होती है। तो बहुत उनकी सेवा करी, सेवा करने के बाद उनको पूछा गया कि क्या